महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि एक के अलावा बाकी सारे एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिखाए या जो नतीजे अभी तक गोदी मीडिया दिखाती आई है, उसके पीछे राजनीतिक पार्टियों की बड़ी चाल होती है। एग्जिट पोल के जरिए लोगों के मन में एक खास राजनीतिक पार्टी के प्रति अवधारणा बनाई जाती है। वहीं इसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, जहां सभी न्यूज चैनलों ने भाजपा को जानबूझकर बहुमत से ज्यादा सीट दिखा दी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स चुनाव के दौरान मतदाताओं के विचार पढ़ने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। सबसे पहले नीदरलैंड में है और अमेरिका में करीब 1940 के आसपास मतदान के बाद और गिनती के पहले ही नतीजों का संकेत देने वाला यह तरीका प्रचलित हुआ। इस तरह के एग्जिट पोल की प्रक्रिया धीरे धीरे एक पूरी दुनिया में फैलने लगी। दुनिया की हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां चुनाव होते हैं, इनकी उपयोगिता सामने आने लगी। बाद में तमाम जगह इन पर नियंत्रण भी हुए, क्योंकि कई बार यह देखने में आया कि ये चुनाव प्रक्रिया के एक हिस्से को प्रभावित करने लगे थे। राजनीतिक पार्टियां इसका गलत तरीके से उपयोग करने लगी हैं और मतदाताओं को विचार को प्रभावित करने लगी हैं। कई बार यह अक्सर देखा जाता है कि न्यूज चैनल, अखबार सभी जगह किसी खास पार्टी को बहुत ऊपर और भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी के रूप में दिखाया जाता है। वहीं जब हम या आप एग्जिट पोल को हर जगह सभी न्यूज चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं यह बात प्रभावित करती है कि आने वाले चुनाव में यह पार्टी जीतेगी। वहीं कुछ लोग इस बात से प्रभावित होकर अपना मत बदल देते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए कई लोग मतदान के समय उसी पार्टी को वोट दे देते हैं जिसको एग्जिट पोल में सबसे प्रभावी बताया जाता है, और इसका सीधा फायदा उस राजनीतिक पार्टी को पहुंचता है। वहीं देखा जाए तो हरियाणा में टाइम्स नाउ, न्यूज एक्स, एबीपी न्यूज, न्यूज 18 में से सभी ने बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें दी, जबकि मिली कुल 40। महाराष्ट्र में इन्हीं एजेंसियों ने बीजेपी को 214 से 243 तक सीटें दी, जबकि आई 161। एक्सिस माई इंडिया ने महाराष्ट्र में भी 166 से 194 सीटों का आंकलन किया था, जिसे स्वीकार किया जा सकता है, पर बाकी ने क्या किया? सभी ने मोदी लहर और भाजपा लहर में एक गोदी मीडिया बनने का काम किया। भारत में चुनाव से जुड़ी हर ऐसी प्रक्रिया आजकल संदेह के घेरे में है, जिससे किसी न किसी तरीके से मतदाता के मन को प्रभावित किए जाने की संभावना है। और तो और, खुद चुनाव आयोग इस समय लोगों में उतना विश्वास नहीं जगा पाता जितना कि उससे उम्मीद की जाती है। तो ऐसे उपक्रमों का जिन पर सीधे सीधे किसी कानूनी प्रक्रिया का नियंत्रण नहीं है और जिनकी जनता को उतनी जवाबदेही नहीं है जितनी संवैधानिक संस्थाओं की है, तो उनके द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाना या लोगों को गलत सूचना देकर गुमराह करना तुलनात्मक रूप से आसान है। ताजा विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक को छोड़कर सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को पूरी तरह निपटा दिया था। एबीपी न्यूज सी वोटर ने तो ओपिनियन पोल में कांग्रेस को कुल 3 सीटें दी थीं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं। तो इस तरह के सर्वेक्षण में मार्जिन ऑफ एरर की जो अवधारणा है, उसका क्या हुआ? हमारे देश में जो नतीजे ये लोग पेश करते हैं, उसने इस अवधारणा की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका आंकलन 3 सीट दे रहा है और उसको सीट मिले कम से कम 10 गुने से ज्यादा? तो यहाँ तो नजर आता है कि यह सामान्य बात नहीं है, इसमें कुछ असामान्य हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में इन सर्वे के नतीजे पर यह पूछा जाना चाहिए कि क्या सर्वे करने वाली एजेंसियां सर्वेक्षण करने की कोई प्रक्रिया को अपनाती भी हैं, या फिर ये किसी के दबाव में किए जाते हैं, या फिर इसी तरह गोदी मीडिया जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी और पोल इसी तरह विपक्ष को खत्म करने का काम करती रहेगी। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।